नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। अब इस मामले में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि पुराने पेंशन स्कीम से न तो सरकार पर कोई बोझ पड़ेगा और न ही प्रदेश का बजट गड़बड़ होगा। यह सरकार का काम है कि वह कैसे जनता की सेवा करने के लिए ठोस कदम उठाए। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के हितों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। बता दें कि शुक्रवार को कर्मचारी संगठनों ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने तो 13 मार्च को बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर ली है। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने शिवराज सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर बजट सत्र में पुराने पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो 13 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में पुराने पेंशन बहाल करने की मांग में तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार का घेराव कर रही है। आगामी 9 मार्च को बजट पेश होने वाला है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बजट सत्र के दौरान सरकार पुराने पेंशन बहाली को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि आगामी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह जनता के दिलों में जगह बनाए। यह स्थिति सत्र में साफ हो जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।